नमस्कार दोस्तों, मैं अंत कुमारी और आप देख रहे हो मेरा YouTube चैनल तुलसी प्लांट केयर ब्लॉग। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसा फर्टिलाइजर जिसको बिमला तुलसी में डालते ही आपकी जो तुलसी हरी भरी घनी हो जाएगी। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हो तो आपने देखा होगा कि पहले इसकी ग्रोथ कैसी थी और आज इसकी ग्रोथ कैसी है। तो दोस्तों इस पे मैं जब भी कोई फर्टिलाइजर वगैरह यूज करती हूँ तो उसकी जो वीडियो मैं नेट पे जरूर अपलोड कर देती हूँ, ठीक है। आपको पता होगा अगर आप मेरे रेगुलर व्यूवर्स होंगे तो, ठीक है। आज भी मैं एक ऐसा फर्टिलाइजर लेकर आई हूँ जिसको यूज करने से आपकी तुलसी बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी और हरी भरी घनी हो जाएगी। साथ ही आपके साथ में दो टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिसको करने से आपकी जो तुलसी है सर्दी में भी बची रहेगी, इसको किसी प्रकार की हानि नहीं होगी, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि ये जो आपको मंजरियाँ दिखाई दे रही है ना, इनको आपको नहीं रहने देना है, ठीक है। इसको आपको तोड़ देना है। अगर किसी पत्ते में आपको लगे कि कीड़ा लग रहा है तो इस पर कीटनाशक दवाई का आपको यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। हमेशा क्या करना है कि अगर किसी पत्ते में आपको कीड़ा लगा दिखाई दे रहा है तो उसको आपको तोड़ देना है, लेकिन कीटनाशक दवाई का यूज़ नहीं करना है। अगर आप तोड़ देते हो इसके पत्तों को तो ये जो कीड़े लगने की समस्या है वो जड़ से ही ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अगर आप इसमें किसी प्रकार का कीटनाशक यूज़ कर देते हो तो ये तुलसी जड़ से ही ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों मेरी एक तुलसी ऐसे ही जड़ से ख़त्म हो चुकी है, इसलिए ये गलती आप बिल्कुल भी ना कीजिएगा। और अब हम इसमें यूज़ करने वाले एक ऐसा फर्टिलाइज़र जो इसको बहुत हरा भरा घना बनाने वाली है। तो दोस्तों वो फर्टिलाइज़र है ये, दोस्तों ये है चाय पत्ती का पानी। दोस्तों इसको मैंने कैसे बनाया कि ये आपको एक लोटा में पानी ले लेना है और उसमें एक चम्मच चाय पत्ती को डाल देना है। डालकर रात भर के लिए आपको छोड़ देना है तो उसका कलर कुछ इस तरीके का सुबह में हो जाएगा। अब इस चाय की पत्ती वाला जो पानी है ना, इसको आपको इसमें डालना है। इससे क्या होगा कि दोस्तों इसमें पोटाशियम बहुत ज़्यादा होता है, आयरन होता है, जो कि तुलसी की जड़ों को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाता है। और इसकी जड़ को आप देख सकते हो, देखिए, लेकिन आप देख रहे हो कि तुलसी कितनी घनी है। दोस्तों ये जंगली पौधा होता है और ये जंगलों में मिलता है, ये तो पहाड़ी इलाकों में मिलता है, बहुत घना पौधा होता है। और इसको और भी घना बनाने के लिए, अगर आप इसको घर में लगा रहे हो तो इसको और भी घना बनाने के लिए, पेड़ की शेप देने के लिए, इसकी जो मंजरियाँ हैं ना उसको आप समय समय पर तोड़ते रहिएगा, ठीक है। दोस्तों जब जब मैं इसकी केयर करती हूँ उसकी वीडियो अपलोड करती रहती हूँ। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में इंटरेस्टेड हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं कोई भी नई वीडियोस लेकर आऊँ तो उसका जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच जाए। अगर आपको मेरी वीडियो नॉलेजेबल लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर अच्छी लगी तो वीडियोज़ को लाइक जरूर कीजिएगा, अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर दीजिए। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, उसका जवाब आपको जरूर मिलेगा। ओके बाय, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।